एवरी वन वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स आई एम नेहा आज करेंगे हम क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज एंड टॉपिक है हमारा आज का इनकॉर्पोरेशन एंड गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं सो so, देखो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है बेसिकली इनकॉर्पोरेशन शब्द का मतलब बता दूँ पहले इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का उसका प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं सो नाओ प्रमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉरपोरेशन ऑफ द कंपनी अब प्रमोटर क्या करेगा एक एप्लीकेशन देगा कि भाई मैं अपनी कंपनी का इनकॉरपोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ द एप्लीकेशन इज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट विद इन विच द प्लान टू इस्टिश द रजिस्टर्ड ऑफिस और ये एप्लीकेशन कहाँ पर जाके देगा जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिस स्टेट में उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा बोलेगा भाई ये लो मेरी एप्लीकेशन मैं अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना चाहता हूँ ये एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उसको देने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स हम टोटल पढ़ लेते हैं क्या हैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस एप्लीकेशन के साथ एम देना पड़ेगा उस पर स्टैंप लगी हो उस पर साइन हो रखे और कुछ विटनेसेस ने भी साइन कर रखे हों अगर एक पब्लिक कंपनी वो बनाना चाहता है तो लगभग सात लोग मिनिमम जो है उसको साइन किए हुए हों ठीक है लेकिन अगर वो एक प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर कराने आया है तो दो लोगों के ही साइन काफ़ी हैं सिग्नेटरीज मस्ट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दे एड्रेस ऑक्यूपेशन एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम सिग्नेटरीज यानी जो लोग उस पर साइन करेंगे उन लोगों को अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जैसे कि उनका एड्रेस क्या है उनका ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करते हैं और कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी नेक्स्ट पॉइंट है एम ओ ए के बाद ए ओ ए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी जमा कराना पड़ता है उस पर भी स्टैम्प लगी होनी चाहिए और कुछ लोगों को विटनेस बना के साइन होना चाहिए अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन होने वाला है तो उसको ए बनाने की जरूरत नहीं है कंपनीज एक्ट का टेबल ए वो चूज़ कर सकता है जिसमें जैसे बोलते हैं ना टैम्पलेट होता है बना हुआ होता है ऑलरेडी ए ओ ए उसमें से कोई भी एक चूज़ कर लो नेक्स्ट पॉइंट है रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स रिटन कंसेंट यानी लिखे में मतलब लिखित में होना चाहिए कंसेंट किसका होना चाहिए प्रपोज डायरेक्टर्स यानी जिनको हम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं नॉमिनेट कर रहे हैं रिटर्न में वो लिख के देंगे कि भाई हम आज से एस ए डायरेक्टर वर्क करेंगे इस कंपनी के साथ में और साथ में हम क्वालिफिकेशन शेयर्स भी खरीदेंगे क्वालिफिकेशन शेयर्स होते हैं मिनिमम शेयर्स जो एक हर एक डायरेक्टर को खरीदने ही खरीदने हैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं द एग्रीमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर एक एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा भाई कौन हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या कौन हमारा मैनेजर होगा या होल टाइम डायरेक्टर जो भी है जिसको भी हमने चूज़ किया है उसके साथ वो एग्रीमेंट हमें चिपकाना पड़ेगा नेक्स्ट है कॉपी ऑफ रजिस्टर आर लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ कंपनी यानी जो रजिस्ट्रार ने आपको लेटर दिया था कि भाई हाँ तुम इस कंपनी का नाम रख सकते हो वो चीज़ की कॉपी आपको देनी है कि रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर दिया है हमारी कंपनी का ये नाम रखने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन मेट एंड मस्ट बी ड्यूली साइन एक रिटर्न में देना पड़ेगा डिक्लेरेशन कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी हम वो सारी पूरी कर चुके हैं और उस पर साइन भी कर चुके हैं मतलब सारे पेपर है वो पूरे हैं ये चीज़ लिख के देनी है नेक्स्ट है नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ टू बी सबमिटेड आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो एड्रेस भी आपको उधर सबमिट कराना है नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी होगी पैसे दिए होंगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे उसका एविडेंस देना है यानी प्रूफ देना है जो भी उसकी कॉपी बिल की या जो भी है वो देनी है नेक्स्ट है When registrar is satisfied about the completion of formalities of registration, certificate of incorporation is issued to the company. Registrar अगर कहते हैं हाँ मैं satisfied हूँ तुमने जितनी भी legal formalities करी हैं इन सभी से मैं satisfied हूँ और तुमने ये सारे documents पूरे दिए हैं मुझे तो वो आपको certificate of incorporation दे देगा एक certificate दे देगा Next point है दिस सर्टिफिकेट में बी कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इन आपको मिलेगा इसको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इस दिन माना जाता है कि कंपनी का जन्म हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर वन टू थाउजेंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सी आई एन कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर टू द कंपनी और नवम्बर वन दो हज़ार से क्या होने लगा है जब आप कंपनी का कॉरपोरेशन कराते हो तो रजिस्ट्रार आपको एक सी आई एन नंबर देता है कि यह आपका नंबर है कॉरपोरेट आइडेंटिटी मतलब आपका जो है पहचान का नंबर है कि आपकी ये कंपनी है आगे टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं क्या फ़र्क पड़ता है सो so, देखो जो डेट मेंशन होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ठीक उसी डेट से हम मानते हैं द कंपनी इज लीगली बॉर्न कि हाँ भाई हमारी कंपनी अब पैदा हो चुकी है उसका जन्म हो चुका है ये उसका फर्स्ट डे हुआ है जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपीचुअल सक्सेशन सेपरेट लीगल एंटिटी है यानी आपकी कि जो आपकी कंपनी है वो एक अलग चीज़ है और कंपनी के मेंबर्स शेयर होल्डर्स ये एक अलग चीज़ है दोनों अलग अलग, अलग चीज़ें हैं परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जितने मर्जी मेंबर्स आए जाएं मरें जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कंपनी वहीं की वहीं रहेगी ऐसी की ऐसी रहेगी इट इज़ अ लीगल एविडेंस एट कंपनी केम इंटू एक्जिस्टेंस ये एक लीगल प्रूफ होता है कि भाई कंपनी एक्जिस्टेंस में आ चुकी है कंपनी पैदा हो चुकी है कंपनी का एक नाम है नाव इट कैन एंटर इंटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अब कंपनी जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है यानी जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी वो चीज़ लीगल मानी जाएगी अब उस पर केस हो सकता है और कंपनी भी किसी पर उसके बिहाफ़ पर केस कर सकती है यदि वीडियो ख़त्म